गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम। आई एम योर इंग्लिश टीचर। एज यू ऑल नो दैट चैप्टर नंबर 1 रिप वैन विंकल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द रेगुलर क्लासेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम 2050। दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम जैक्सन। ही राइट्स अ पोएम ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन यू कैन से रेगुलर इंटरवल्स। And his poems, his poetry mainly deals with human emotions, human feelings, human experiences and natural environment. And same you will find in this poem also. So let us start the line-to-line explanation of the poem. The world, a steel case complete with plastic grass. The poet is saying ki jo ye world hai wo ek steel cage ki tarah hai. Complete with plastic grass. Complete means here, decorated. यहाँ पे complete का meaning है decorated with plastic grass, कि जो word है वो एक case की तरह है जिसको plastic grass से decorate किया गया है. Whose round windowless walls allow no escape, and the meaning of windowless walls, circular air conditioned room where walls don't seem to exist. Circular air conditioned rooms होते हैं जहाँ पर जो वॉल्स होती हैं दैट डोंट सीम टू एग्जिस्ट एंड अलाउ नो एस्केप. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज? इट्स मीनिंग इज़ यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग इज डेफिनेटली ट्रू और इम्पोर्टेंट इवन दो यू मे प्रेफर टू थिंक दैट इट इज़ नॉट. इसका मीनिंग क्या है कि समथिंग हमारे लिए कुछ चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये प्रेफर करते हैं कि दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो ये आयरोनिकल स्टेटमेंट है. आयरोनिकल क्या होता है? व्हाट इज़ अ आयरनी? आयरनी ये होता है कि जो आपके पास है या जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसके उल्टा आपको मिल जाता है, या वहाँ पे उल्टी कंडीशन होती है. दैट इज़ अ आयरोनिकल स्टेटमेंट. तो वहाँ पे ये कहता है हुज राउंड विंडोलेस वॉल्स अलाउ नो एस्केप, कि जो रूम फुली एयर कंडीशनड होंगे वॉल्स वहाँ पे सीन नहीं करती, मतलब कि एग्जिस्ट कर रही हैं वहाँ पे. सो एंड द पोएम हियर, द पोएट हियर एक्सप्लेन्स कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं लिविंग इन दीज बिल्डिंग्स आर लाइक प्रिजनर्स एंड कन्फाइंड टू केजेस. और क्या जब आप किसी केज में, या आप मान लो अपने आप को एक प्रिजनर की तरह देखते हो, यू विल बी हैप्पी बट स्टिल वी रिमेन हैप्पी. सो आयरोनिकल स्टेटमेंट हो गई. इज लवलियर देन एवर, तो इज सच अ वर्ड जो मतलब जहाँ पे हम अपने आप को एज अ प्रिजनर महसूस कर रहे हैं, वी आर फीलिंग दैट लाइक वी आर इन अ केस. कैन वी फील दैट इट इज वी आर हैप्पी इन दैट एनवायरमेंट? नो, बट स्टिल वी फील हैप्पी देयर. क्यों? क्योंकि वो हमने अपने आप से जो बिल्डिंग्स हैं बनाई होती हैं, जैसे हम जस्ट इमेजिन जो हमारे हाउसेस होते हैं हम उनको बहुत प्यार से बनाते हैं, हम उनमें रहते हैं, तो हम मतलब बहुत प्यार करने लग जाते हैं उन चीज़ों से. सो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई हो रही है. सो आई एम टोल्ड एंड देयर आर नो एनवायरमेंटल डैमेजेस, और जैसा कि मुझे बताया गया है कि वहाँ पर कोई भी एनवायरमेंटल डैमेजेस नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता. नेचुरल एनवायरमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एनवायरमेंटल डैमेजेस कहाँ से होंगे वहाँ पे? क्योंकि सब कुछ तो वहाँ पे क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया. जो बिल्डिंग है आपकी, जो वर्ल्ड है वो कैसा है? स्टील केज की तरह है, और जिसको डेकोरेट किया गया प्लास्टिक ग्रास से. तो एनवायरमेंटल जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसके डैमेज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ सी द सेकेंड वन. इवन इफ देयर वर द चिल्ड्रन ऑफ 2050 वुड नॉट नो इट. अब यहाँ पे जो चिल्ड्रन होंगे 2050 के, वो क्या नहीं जानेंगे? जो एग्जिस्टेंस है नेचुरल इन्वायरमेंट की, दैट वन, कि उनको पता ही नहीं होगा कि नेचुरल इन्वायरमेंट होता कैसा है. इवन इफ देयर वर द चिल्ड्रन ऑफ 2050 वुड नॉट नो इट. सो ही द पोएट इज टेलिंग यू अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है, कि जो 2050 के बच्चे हैं उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा. They have never seen trees or a field of purple verbenas. अब वो यहाँ पे explain करता है कि उन्होंने कभी नहीं देखा जो trees होते हैं
एंड फील्ड्स ऑफ पर्पल वर्बेन्स. वर्बेन होता है अ प्लांट विद ब्राइट फ्लावर्स. तो उन्होंने इस तरह के फील्ड्स नहीं देखे होंगे. दे हैव नेवर सीन अ सोलिट्री बी गैदरिंग पोलन. उन्होंने कभी भी एक सोलिट्री बी को पोलन गैदर करते हुए नहीं देखा होगा. बट ओनली स्कोर्स ऑफ सीज वार्मिंग 50 gallon बैरल्स ऑफ ट्रैश. बट उन्होंने क्या देखा होगा, बट दे ओनली स्कोर्स ऑफ बीज स्वॉर्मिंग. स्वॉर्मिंग मीन्स जहाँ पे मूविंग समवेयर इन अ लार्ज ग्रुप और इन अ लार्ज नंबर. उन्होंने क्या देखा होगा, जो बीज होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर रही होंगी और लास्ट में पीछे क्या रह जाएगा, 50 gallon बैरल्स ऑफ ट्रैश. जो 50 gallon बैरल्स ऑफ ट्रैश होते हैं वो रह जाएंगे. गैलन्स जो आपके सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं कुछ इस तरह से, तो वो बैरल्स वहाँ पे एम्प्टी रह जाएंगे बिकॉज बीज तो वहाँ पे नहीं होंगे जहाँ पे हम पोलन गैदर करते हैं, जो हनी होता है उसको गैदर करते हैं. जब बीज चली जाएंगी तो जो बैरल्स होंगे वो ट्रैश की तरह ही पड़े रहेंगे. सो दिस इज द समरी ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ. नाउ सी द थर्ड वन. दिस इज नॉट द सेम. दिस इज नॉट द सेम एज इट वॉज वेन आई वॉज अ बॉय. वो कहते हैं कि ऐसा नहीं था जब मैं एक छोटा लड़का होता था. वेन आई वॉज अ बॉय, जब मैं लड़का था. देन आई यूज टू वॉच द बीज रिगल इन टू द मॉर्निंग ग्लोरीज. तब मैं देखा करता था कि जो बीज थी वो रिगल होता है कि आपकी मोशन में कभी ऊपर कभी नीचे कभी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती थी इन द मॉर्निंग ग्लोरीज. मॉर्निंग ग्लोरीज होती हैं अ क्लाइंबिंग प्लांट हूज फ्लावर्स ब्लूम इन द मॉर्निंग एंड क्लोज लेट इन द आफ्टरनून्स. तो ये जो इस तरह के फ्लावर्स की वो वहाँ पे बात कर रहा है, एक क्लाइंबिंग प्लांट होता है जिसके फ्लावर्स मॉर्निंग में ब्लूम हो जाते हैं, खिल जाते हैं और इवनिंग में वो फिर से बंद हो जाते हैं. वी हैड ट्रीज बैक देन एंड यार्ड्स एंड फ्लावर्स टू. उस टाइम पे ट्रीज हुआ करते थे, यार्ड्स हुआ करते थे और फ्लावर्स भी हुआ करते थे. स्टिल आई एम टोल्ड आई कंप्लेन टू मच. फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता हूँ.